बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहम्मद रियाज़ कुरैशी, उर्दू टीचर। लास्ट लेसन में बेटा जो है हमने पढ़ा था उर्दू कवायद व इंशा, ठीक है। उससे पहले हमने जो है सबक नज़रे पाकिस्तान, तो अब हम पढ़ेंगे गज़ल। गज़ल पढ़ने से पहले शायर का तारुफ़। शायर हैं पहली गज़ल के हसरत मोहानी। हसरत मोहानी 1875 में पैदा हुए और वफात पाई 1951 में, ठीक है। आपको ये भी बताता चलूँ बेटा कि जो अहम अहम पॉइंट्स हैं जो कि बोर्ड पैटर्न के हवाले से हैं, वो भी मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊँगा। पैदाइश और वफात, ये भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। इसी तरीके से हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन और हसरत तखल्लुस था। तखल्लुस यानी कलमी नाम, पेन नेम जिसको कहते हैं, जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है नाम। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए और इसी निस्बत से, इसी ताल्लुक़ से मोहानी कहलाए, हसरत मोहानी। कुछ अरसा अदबी रसाला उर्दू मौला भी निकालते रहे, ठीक है बेटा। ये भी आप जो है अंडरलाइन करेंगे और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अहम है ये। उन्होंने बरतानवी साम्राज्य की मुखालफत की, जिसकी वजह से इन्हें तवील अरसे तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। तवील अरसे तक, काफ़ी अरसा जो है वो कैद में रहे और मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारी, सख्तियां झेली। 1946 में वो मुस्लिम लीग के टिकट पर मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हुए। क्या मैं पाकिस्तान के बाद वो भारत ही में मुकीम रहे और भारतीय पार्लियामेंट में हमेशा कलमा हक बुलंद करते रहे। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, इसलिए इन्हें रईसुल मुतगज़लीन का लकब दिया गया है, ठीक है। अंडरलाइन कर ले बेटा, रईसुल मुतगज़लीन जो है इनको कहा जाता था। इनकी तसानीफ़ में नुकात सुखन, इंतखाब सुखन, मुशाहदात जिंदा, कुलियात हसरत मोहानी और इंतखाब उर्दू मौला शामिल है। तो तारुफ के अंदर से ये कुछ पॉइंट थे जो कि बोर्ड पेपर के हवाले से अहम है बेटा। ये आप लोगों को जो है यहाँ पर बता दिए गए हैं, आप इनको अंडरलाइन कर लें, अच्छी तरीके से देख लें। ख़ास तौर पर हसरत मोहानी कब और कहाँ पैदा हुए, इनका तखल्लुस क्या था और इन्हें किस नाम से जो है पुकारा जाता था, क्या लकब था, और इनकी तसानीफ़ में नुकात सुखन, इंतखाब सुखन, मुशाहदात जिंदा, कुलियात हसरत मोहानी और इंतखाब उर्दू मौला शामिल है, ठीक है बेटा। खुदा हाफिज़।